तो स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल एंटीक्यू टेप रिकॉर्डर लवर म्यूजियम में। तो दोस्तों, आज मेरे पास फिर से एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त, ये 70 के दशक में दोस्तों काफ़ी पॉपुलर हुए थे ये सेट। ये आज भी पॉपुलर है दोस्तों, लोग इनको बहुत ही शिद्दत से ढूंढते हैं। और ये बहुत ही प्यारे दिखते हैं दोस्तों, और ये इनको देखकर ही पता चलता है कि ये बहुत ही एंटिक चीज़ें हैं। इनका जो आकर्षण है, एक बार आप देख लेंगे दोस्तों तो आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी बनावट जो है दोस्तों बहुत ही लाजवाब हुआ करती थी। तो देखिए कितनी खूबसूरती से सजाया है इसे, तो मैं आपको दिखा दूँ, ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, बिल्कुल ही नए जैसा है, जैसे अभी अभी शोरूम से निकला हो। तो कंडीशन बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, और क्योंकि कई दोस्तों का जो है फरमाइश थी कि उन्हें फिर से जो है 543 का जो है फिर से वीडियो देखना है, उन्हें बहुत पसंद है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये आज का हमारा टेप रिकॉर्डर, ये नेशनल पैनासोनिक, इसका मॉडल नंबर है 543, और ये 3 बैंड रेडियो के साथ आता है दोस्तों। तो बैंड भी मैं आपको दिखा दूँ, इसमें कौन कौन से रेडियो के बैंड होते हैं। तो ये यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, MW मीडियम वेव, SW शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2। तो इसकी खासियत ये है दोस्तों इस टॉप रिकॉर्डर की, एक तो ये मात्र 6 वोल्ट का आता है, 6 वोल्ट बिजली में चलने वाला सेट है ये, और बैटरी भी इसमें ज़्यादा नहीं लगती है, 4 ही सेल लगते थे। और इसकी जो आवाज़ है दोस्तों काफ़ी लाउडली हुआ करती है, लाउडली होती है, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है दोस्तों वो भी बहुत ही क्लियर होती है, बहुत ही अच्छी होती है। हालांकि इसमें FM वगैरह नहीं आते थे उस ज़माने में, और उसके बावजूद भी जो इसमें 3 बैंड का रेडियो है वो काफ़ी क्लियर और काफ़ी लाउडली बजता है। तो मैं ये मेरी भी बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद करता हूँ मैं इस मॉडल को, तो मेरा भी फेवरेट है दोस्तों। तो चलिए, आप जानते हैं ये मेरे पास बिकने के लिए आया है, तो ये अभी मेरे पास अवेलेबल है। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसकी जो है कार्यशैली भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये कैसा इसका साउंड है, कैसी इसकी आवाज़ है। तो यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं आप, इसका मैकेनिज्म भी देख लीजिए, तो इजेक्ट स्टॉप, और ये फॉरवर्ड और रिवाइंड और प्ले रिकॉर्ड पाउज, तो इस तरह से है दोस्तों। तो कुछ अंदर का मैकेनिज्म भी इसका कुछ इस तरह से है, और बहुत बढ़िया कंडीशन में है दोस्तों, लगता नहीं है कि ये 70 के दशक का टेप रिकॉर्डर है। तो वो इसकी वैसे तो उम्र भी हो चुकी है 50 से ऊपर। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसकी आवाज़ सुना दूँ आपको। तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, आप जानते हैं मैं तो मैं इसलिए रोक रहा हूँ दोस्तों बीच बीच में, क्योंकि ज़्यादा लंबा सॉन्ग बजाऊंगा तो कॉपीराइट का इशू हो जाता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा और सुना देता हूँ आपको। तो मैं बीच बीच में दोस्तों आपको सुनाता रहूँगा इसकी आवाज़। तो ये सबसे इसकी जो मेन आकर्षण है दोस्तों, ये इसका लाइट वाला मीटर है,
और इसकी जो ये रेडियो डायलिंग स्केल है ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है इसका। और देखिए इसकी सजावट जो है अभी भी बिल्कुल नए जैसी है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और आवाज़ भी काफ़ी लाउडली है इसमें। तो ये मैंने एक पुरानी कैसेट लगाई है दोस्तों, और इसका नाम भी देख लीजिए, दादा जानी दुश्मन। दादा एक अलग फिल्म है और जानी दुश्मन अलग फिल्म है। ऐसा लगता है कि एक ही नाम हो लेकिन ऐसा नहीं है, ये अलग अलग नाम है। तो मैंने अभी पलट के लगाई है दोस्तों। तो ये कैसेट की दूसरी साइड थी और ये साइड ए है दादा फिल्म की। तो इसका रिवाइंड फॉरवर्ड भी देख लेते हैं, रिवाइंड कर रहा है ये। तो ये देखिए आप, रिवाइंड भी ये कर रहा है और ये कैसेट ख़त्म हो चुकी है। तो अब इसका फॉरवर्ड भी देखते हैं, फॉरवर्ड दोस्तों। ये इसका फॉरवर्ड है, तो ये देखिए घूम रहा है, काफ़ी तेज़ी से घूम रहा है। और ये इसका रिवाइंड है और ये इसका प्ले। तो ये दोस्तों अगर आप ये ऑरेंज और ये ब्लैक को अगर एक साथ दबाएंगे तो इसमें रिकॉर्डिंग होगी, और मैं आपको जो है इसकी रिकॉर्डिंग भी करके दिखाऊंगा दोस्तों कि ये वॉइस रिकॉर्डिंग या जो रेडियो की रिकॉर्डिंग कैसी कर रहा है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो वो लेकिन मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सारे काम करूंगा दोस्तों तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो कई दोस्त बोलते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं होता इतना लंबा वीडियो देखने का। तो चलिए मैं कुछ टुकड़ों में बनाऊंगा इसका वीडियो, और सेट बहुत ही प्यारा है। तो मैं थोड़ा सा आपको अभी रेडियो भी ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये इसका रेडियो मैंने ऑन किया है दोस्तों, देख सकते हैं। तो चलिए आवाज़ खोल लेता हूँ थोड़ी। तो ये इसका शॉर्ट वेव है, सॉरी मीडियम वेव। तो क्योंकि अभी यहाँ पे लाइटें काफ़ी जलाई है दोस्तों मैंने, तो लाइट जब ज़्यादा जलाई हो तो थोड़ा रेडियो कड़कड़ करेगा ज़्यादा। ये देखिए, हालांकि मैंने एंटीना भी पूरा नहीं खोला है लेकिन इसकी रेडियो की फ्रीक्वेंसी देखिए पकड़ रहा है ये। तो चलिए मैं पहले इसका एंटीना खोल लेता हूँ, एंटीना खोल लेता हूँ। तो एंटीना अभी मैंने खोला है दोस्तों, अपनी एक लाइट भी बंद कर लेता हूँ, थोड़ी लाइट ज़्यादा हो गई यहाँ पर। तो रेडियो अगर लाइट जलाएं ज़्यादा तो फिर रेडियो दोस्तों थोड़ा सा क्लियर नहीं आता है। अब देखिए
मीडियम वेव जो है दोस्तों, हमारे यहाँ आता नहीं है मीडियम वेव, हिमाचल में आता नहीं है मीडियम वेव, ये दिल्ली पंजाब में जो है मीडियम वेव अच्छा आता है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन शॉर्ट वेव हमारे यहाँ बचता है, ये देखिए शॉर्ट वेव। तो माफ़ कीजिएगा, अभी कोई भी किसी भी चैनल में हिंदी गाना नहीं बज रहा है, नहीं तो मैं आपको हिंदी गाना सुनाता। तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है दोस्तों ये टेप रिकॉर्डर, और आपने ऐसा लाइट वाला नहीं देखा होगा कभी भी, ये लाइट वाला है मीटर तो, और चलता भी है, आप देख सकते हैं क्योंकि आवाज़ ज़्यादा हो गई थी इसमें दोस्तों, आवाज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरा आज का ये वीडियो देखकर, और ये नेशनल पैनासोनिक जो है ये 543 मॉडल है, जो कि मेरे पास बहुत अच्छी कंडीशन में आया हुआ है। अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप मुझे जो है मेरे कमेंट बॉक्स पर जो है मैसेज कर सकते हैं, और मेरे नंबर पर जो है आप कॉल भी कर सकते हैं, और अपना अगर आपको चाहिए तो इसे बुक भी कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।